सो हे गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास Realme 10 Pro प्लस 5G मोबाइल है या फिर 10 Pro 5G मोबाइल है और आप उसमें कॉल रिकॉर्डिंग को करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, वो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आपके फ़ोन में जो है कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो मैं आपको एक तरीका बताऊँगा जो कि बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे आप कॉल रिकॉर्डिंग को आसानी से कर सकते हो। तो आपको सिंपली जाना है प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर ऊपर सर्च बार में सर्च कर देना है, यहाँ पर जो है ट्रू फोन लिख देना है, ट्रू फोन। जैसे आप ट्रू फोन लिखेंगे और सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन आ जाएगी, इसको आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम इस तरीके से ओपन हो जाता है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, तो नेक्स्ट करना है और यहाँ से आपको ट्रू फोन पर क्लिक करना है नीचे की तरफ, और सेट एज डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद गाइज आपका फ़ोन जो है यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर सबसे नीचे कॉर्नर में देख पा रहे हो कि थ्री डॉट दिख रहे हैं, तो आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर सबसे नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग, तो आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर देखिए इनकमिंग एंड ऑन गोइंग कॉल्स, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है, देखिए कॉल रिकॉर्डिंग, ये दिख रहा है कॉल रिकॉर्डिंग, तो आपको कॉल रिकॉर्डिंग पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये आपका डिसेबल होगा, तो इसको आपको इनेबल करना है और ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है, देखिए यहाँ पर ऑटो रिकॉर्ड कॉल्स का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से इन चारों ऑप्शन आपके में अनटिक होंगे, लेकिन आपको इनको टिक करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद गाइस इतना प्रोसेस करने के बाद आपका ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा। अब आपका कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो होने लगेगा। तो इस तरीके से आप कॉल रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड कर सकते हैं।